हेलो स्टूडेंट, आई एम शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। लास्ट वीडियो में हमने इंडिविजुअल और ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशेंट के बीच में एक रिलेशन को डिफाइन किया था, और ये जो रिलेशन फॉर्म होता है हमारा इंडिविजुअल और ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशेंट के बीच में, तो इनके बीच में उस रिलेशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से उस एक्सप्रेशन को हम ड्राइव करते हैं। तो जो डेरिवेशन हमने किया था वो ओवरऑल डेरिवेशन जो हमने किया था उसमें जो हमारी फाइनल वैल्यू आई थी दैट इज वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एच आई प्लस वन अपॉन के अपॉन एच डब्ल्यू प्लस वन अपॉन एच नॉट। तो ये जो हमारी वैल्यू आई थी वो किसके थ्रू आई थी, जो हमने एक फिगर यहाँ पर बनाया था, देखिए। तो इस फिगर के द्वारा हमने बहुत सारी टर्म्स को कैलकुलेट किया था। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो हमारी हॉट फ्लूइड फिल्म है और जो कोल्ड फ्लूइड फिल्म है और जो हमारी मेटल वॉल है सिलेंडर की, तीनों के बीच में हमारी जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो किस तरह से आएगी, तो वो सभी चीज़ों के साथ हमने एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। तो उस एक्सप्रेशन में लास्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। वो मिस्टेक ये थी कि वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एच आई प्लस एक्स डब्ल्यू अपॉन के प्लस वन अपॉन एच नॉट हमारी इक्वेशन फॉर्म हो रही थी। जैसे देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर जब ये इक्वेशन हमारी फॉर्म हो रही थी तो इसको जब हमने कन्वर्ट किया था तो हमारी ये इस तरह से हो जाएगी वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एच आई प्लस वन अपॉन के अपॉन एक्स डब्ल्यू प्लस वन अपॉन एच नॉट। तो ये इक्वेशन जो टेन इक्वेशन थी वो हमारी किस तरह से आ जाएगी, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद जब हम वन अपॉन यू को ओनली यू के टर्म में फाइंड आउट करेंगे तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वन अपॉन एच आई प्लस ये जो हमारी टर्म थी, ये देखिए ये हमारी वन अपॉन के नीचे ये सारी टर्म जो हमारी पूरी ये टर्म थी वो यहाँ पर हमारी आ जाएगी, और यहाँ पर जो हमारा ये वाली टर्म थी वन अपॉन के अपॉन एक्स डब्ल्यू, तो ये वन अपॉन के अपॉन एक्स डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डब्ल्यू अपॉन के। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी थोड़ी सी गलत लिख गई थी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्स डब्ल्यू अपॉन के। तो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये एक्स डब्ल्यू अपॉन के। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, यू इज इक्वल टू वन अपॉन एच आई प्लस एक्स डब्ल्यू अपॉन के प्लस वन अपॉन एच नॉट। तो जो फाइनल इक्वेशन है वो हमारी किस तरह से हो जाएगी, इस तरह से ही हमारी इक्वेशन फाइनल आउट होकर आएगी, यू इज इक्वल टू वन अपॉन एच आई प्लस एच डब्ल्यू अपॉन के प्लस वन अपॉन एच नॉट। और इसी को जब हमने आगे किया था तो अगर हमने ये माना था कि जो हमारा मेटल वॉल रेजिस्टेंस है, यानी कि जो हमारा एच डब्ल्यू अपॉन के है, ये हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है कंडक्शन के केस में, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है दैट इज एल बाई के। तो यहाँ पर जो हमारा लेंथ था वो क्या था, वॉल की, सिलेंड्रिकल वॉल की लेंथ जो क्या थी वो कितनी थी, एक्स मानी थी हमने, तो यहाँ क्या जाएगी, एक्स बाई के। तो अगर ये हमारा मेटल वॉल रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है कंपेयर दैट फ्लूइड फिल्म रेजिस्टेंस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ यहाँ से इस टर्म से देखिए, यू इक्वल टू वन अपॉन एच आई प्लस वन अपॉन एच नॉट रह जाएगी। और ये जो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, जो ये एक्स डब्ल्यू अपॉन के जिसे हम नेगलेक्ट मान रहे हैं, यानी कि जीरो के इक्वल मान रहे हैं, तो ये इक्वेशन हमारी जो इक्वेशन टेन थी, तो इक्वेशन टेन में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि एक्स डब्ल्यू अपॉन के इक्वल टू हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, ये नेगलेक्ट हो जाएगी हमारी वैल्यू। तो क्या रह जाएगा हमारे पास, सिर्फ वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन एच आई प्लस वन अपॉन एच नॉट। तो ये वैल्यू हमने किस में रख दी, इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ
एच डब्ल्यू अपॉन के इन इक्वेशन 10 वी गेट क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1 अपॉन यू स्क्वायर टू 1 अपॉन एच आई प्लस 1 अपॉन एच नॉट। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू स्क्वायर टू एच नॉट प्लस एच आई अपॉन एच आई इंटू एच नॉट। तो ये जो मिस्टेक थी यहाँ पर जो ये 1 अपॉन ये थोड़ा सा अपोजिट लिख गया था तो इसे सही कर लीजिएगा। अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसे सही से लिख लीजिएगा। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट को फाइंड आउट करने के लिए एक और इसका अल्टरनेटिव मेथड है जिसे हम बहुत सिंप्लीफाई तरीके से समझ सकते हैं। तो एक यहाँ पर मेथड हो गया हमारा जहाँ पर हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से फॉर्म होके आती है। और नेक्स्टली हम जो अल्टरनेटिव मेथड की बात कर रहे हैं वहाँ पर भी ये जो वैल्यू हमारी बहुत ईजिली फाइंड आउट कर ली जाएगी। तो चलिए जो अल्टरनेटिव मेथड है हम उसे देखते हैं। तो देखिए इसमें अगर हमें ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना है तो हम इस तरह से भी इस एक्सप्रेशन को ड्राइव कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारी एक मेटल वॉल है, सिलेंडर की एक वॉल है, यहाँ पर हमारा हॉट फ्लूइड फिल्म है, यहाँ हमारी क्या है कोल्ड फ्लूइड फिल्म है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है हमारा टी सी एफ यानी कोल्ड फ्लूइड का और यहाँ पर क्या है टी एच एफ यानी कि हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर, यहाँ से हमारा जो हीट फ्लो है वो क्या है क्यू है, इस पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर क्या है टी वन और इस पॉइंट पे क्या है टेम्परेचर टी टू। हॉट फ्लूइड रीजन के बीच में जो रेजिस्टेंस हमारा वर्क कर रहा है वो क्या होगा हमारा थ्रू द कन्वेक्शन, कोल्ड फ्लूइड के बीच में भी जो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर डेवलप हो रहा है वो भी क्या होगा थ्रू द कन्वेक्शन, और जो मेटल वॉल है यहाँ से यहाँ तक जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो किसका होगा थ्रू द कंडक्शन। जो मेटल वॉल है उसकी लेंथ हमने कितनी मानी है एल। तो चलिए देखें फॉर फर्स्ट रीजन अगर हम हॉट फ्लूइड के लिए देखते हैं तो थ्रू द कन्वेक्शन क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच ए डेल्टा टी, क्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा एच ए डेल्टा टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच हमारा क्या है हॉट फ्लूइड के लिए है इंटू ए और टेम्परेचर क्या है यहाँ पर हमारा देखिए टी एच एफ टू टी वन यानी कि इस पॉइंट पे हमारा क्या है ये टी एच एफ से टी वन तक हमारा टेम्परेचर का ड्रॉप हो रहा है। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। सेकेंडली फॉर मेटल वॉल रीजन के लिए क्या होता है हमारा के अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ के ई टी टी ओवर डी एक्स, डी एक्स हमारी क्या होती है लेंथ, यहाँ पर लेंथ हमारी क्या मानी गई है एल। तो ये हमारी क्या हो जाएगा के ए टी वन माइनस टी टू टी वन, टी वन माइनस टी टू टेम्परेचर ड्रॉप हो गया हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन एल। और फॉर रीजन थर्ड अगर हम कोल्ड फ्लूइड फिल्म के लिए देखें तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एच सी एफ कोल्ड फ्लूइड के लिए हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनटू एरिया इनटू टी टू माइनस टी सी एफ यानी कि टी टू में से टी टू माइनस टी सी एफ हमारा क्या है टेम्परेचर ड्रॉप है। तो इस तरह से हमारी तीन इक्वेशन इसमें फाइंड आउट कर ली जाती हैं। तो जैसे हमने लास्ट जो अभी मेथड समझा था उस मेथड में भी हमने ये तीनों इक्वेशन फाइंड आउट की थी, तो सेम इसी तरह इसमें भी हम ये तीनों इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम इक्वेशन वन को सिंप्लीफाई करें तो हमारी इक्वेशन क्या फाइंड होके आएगी टी एच एफ माइनस टी वन इक्वल टू क्यू अपॉन एच एच एफ इंटू ए। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई ए डैश। इसी तरह से जब हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी टी वन माइनस टी टू इक्वल टू क्यू इंटू एल अपॉन के ए। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई बी डैश हो गई। इसी तरह से इक्वेशन थर्ड को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा टी टू माइनस टी सी एफ इक्वल टू क्यू अपॉन एच सी एफ इंटू ए। ये हमारी क्या हो जाएगी सी डैश। तो इस तरह से हम इक्वेशन को ये मान सकते हैं, या तो आप सिंपली से ए भी मान सकते हैं बी भी मान सकते हैं और सी भी मान सकते हैं।
तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से अगर बताना चाहते हो, हम इसे सिंपली क्या मान सकते हैं, इक्वेशन ए बी और सी। तो इन्हें इक्वेशन ए बी सी भी आप मान सकते हैं। तो इक्वेशन वन टू और थ्री को जो हमने सिंप्लीफाई करके रीअरेंज किया एक तरह से, तो रीअरेंज करने के बाद जो इक्वेशन हमारे पास आएंगे किस फॉर्म में आ जाएंगी, इस फॉर्म में आ जाएंगी। ए बी और सी इक्वेशन हमारी यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएंगी। इसके बाद इन सभी इक्वेशन को, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी और इक्वेशन सी को ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन ए प्लस बी प्लस सी, वी गेट टी एच एफ माइनस टी वन प्लस टी वन माइनस टी टू प्लस टी टू माइनस टी सी एफ। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर क्यू सभी में हमारा कॉमन है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क्यू को कॉमन ले लेंगे पहले ही। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, वन अपॉन एच एच एफ इन टू ए प्लस एल अपॉन के ए प्लस वन अपॉन एच सी एफ इन टू ए। तो जो वैल्यू हमारी आएगी टी एच एफ माइनस टी सी एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू वन अपॉन एच एच एफ इन टू ए प्लस एल अपॉन के ए प्लस वन अपॉन एच सी एफ इन टू ए। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करने पर रीअरेंजिंग इसे हम इक्वेशन डी डाल लेते हैं। रीअरेंजिंग द इक्वेशन डी वी गेट क्यू इक्वल टू टी एच एफ माइनस टी सी एफ अपॉन वन अपॉन एच एच एफ इन टू ए प्लस एल अपॉन के ए प्लस वन अपॉन एच सी एफ इन टू ए। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी रीअरेंज करने के बाद, कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसे हम डाल लेते हैं इक्वेशन डी डैश। अब जो इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट की थी जो कन्वेक्शन केस के लिए था, तो अगर जो हमारी इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन थी तो इक्वेशन फर्स्ट यहां से देखिए हमने क्या बनाई थी, क्यू इक्वल टू एच एच एफ इन टू ए टी एच एफ माइनस टी वन। तो इस इक्वेशन को यहां पर इस तरह से लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन हमारी क्या थी, क्यू इक्वल टू एच एच एफ इन टू ए टी एच एफ माइनस टी वन। तो यहां पर अगर जो हमारा इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है इसे अगर हम रिप्लेस कर दें ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट से, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, क्यू इक्वल टू रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ एच एच एफ फ्रॉम यू। यानी कि अगर हम एच एफ को यू से रिप्लेस कर दें, इफ यहां पर क्या है, इफ यू इसे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, तो अगर हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट यू है और इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर दें इससे, तो हमारी जो इक्वेशन है इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ इस तरह से आ जाएगी हमारी ये, क्यू इक्वल टू ये देखिए, क्यू इक्वल टू यू
इंटू ए इंटू टी एच एफ माइनस टी, सॉरी यहाँ पर ये क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू फिर टी वन, तो जो इक्वेशन हो जाएगी वो किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, क्यू इजकल टू यू इंटू ए टी एच एफ माइनस टी वन, और यहाँ पर जो टी वन है हमारा तो हम इसे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर जब कोफिशियंट से हम रिप्लेस करेंगे इसे तो जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, टी एच एफ से टी सी एफ तक हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल में क्या है हमारा यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ पर हमारा जो लोएस्ट है वो क्या है टी सी एफ है और जो मैक्सिमम है वो क्या है टी एच एफ है, तो जो हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक मेजर किया जाएगा टी एच एफ से लेकर टी सी एफ तक, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर क्या रख देंगे टी वन इज्कवल टू हम क्या रख देंगे टी सी एफ, तो क्यू इज्कवल टू क्या हो जाएगा हमारा यू ए टी एच एफ माइनस टी सी एफ, बट ये इसी कंडीशन में होगा जब हम यू को ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट के रूप में लेंगे, और जब ओवरऑल ली जाएगी तो हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस है जो हमने यहाँ पर रीअरेंज करके जो इक्वेशन को लिखा था, तो यहाँ पर टी एच एफ माइनस टी सी एफ यानी कि जो फाइनल इक्वेशन हमारी कैलकुलेट होकर आई थी वो किस में आई थी ओवरऑल की टर्म में, अगर हम देखें यहाँ पर देखिए सारे आपके रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐड हुए हैं तो ये ओवरऑल की एक टर्म है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है हॉट फ्लूड से लेके कोल्ड फ्लूड तक का टेम्परेचर डिफरेंस है, तो अगर हम इसी तरह से इक्वेशन वन से इसकी कंपेयरिंग कर रहे हैं तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी क्यू इजक्वल टू यू ए टी एच एफ माइनस टी सी एफ, इसे हम डाल लेते हैं इक्वेशन ई। अब जो हमारी इक्वेशन डी थी और इक्वेशन ई इनकी कंपेयरिंग करने पर कंपेयरिंग द इक्वेशन डी डैश एंड ई वी गेट, अगर हम डी डैश और ई की कंपेयरिंग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्यू इजक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यू ए टी एच एफ माइनस टी सी एफ इजक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ देखिए ये जो हमारी इक्वेशन है, तो अगर हम इसमें से ए को कॉमन ले लें क्योंकि ये हमारा यहाँ पर इक्वल है, तो ए को अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, और ये जो हमारा कॉमन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा किस टर्म में आ जाएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा वन अपॉन ए हमारा बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा टी एच एफ माइनस टी सी एफ, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी ऊपर पहुँच जाएगी, और बाकी जो हमारी टर्म है ये वाली एस टू एस यहाँ पर रहेगी, तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं ए इंटू टी एच एफ माइनस टी सी एफ, देखिए जब हमने कंपेयरिंग की तो क्यू इज्कल टू हमारा क्या आया था इक्वेशन ई में यू इंटू ए टी एच एफ माइनस टी सी एफ, और यहाँ पर जो क्यू था वो क्या था टी एच एफ माइनस टी सी एफ अपॉन जो हमारा रेजिस्टेंस है, और इसमें जब हम ए को कॉमन लेंगे तो हमारा कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, उसकी मल्टीप्लिकेशन ऊपर हो जाएगी, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी वन अपॉन एच एच एफ इंटू ए, सॉरी ए हमारा ऊपर कॉमन हो चुका है, प्लस एल अपॉन के प्लस वन अपॉन एच सी एफ, तो ये हमारी इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी, तो अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ से देखिए ए जो हमने यहाँ से कॉमन लिया था तो इस ए से हमारा ये ए हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, जो टेम्परेचर डिफरेंस है इससे हमारा क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो
टोटल इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, यू इज इक्वल टू वन अपॉन एच एफ प्लस एल अपॉन के प्लस वन अपॉन एच सी एफ। तो हमारी इक्वेशन, फाइनल जो इक्वेशन आएगी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के लिए, तो वो इक्वेशन हमारी क्या आएगी, यू इज इक्वल टू वन अपॉन एच एच एफ प्लस एल अपॉन के प्लस वन अपॉन एच सी एफ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अल्टरनेटिव मेथड बताया था आपको, तो यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड में हमने यहाँ पर जो एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, तो हमारी जो ये वैल्यू आई थी यू इज इक्वल टू वन अपॉन एच आई प्लस एच डब्ल्यू अपॉन के प्लस वन अपॉन एच नॉट, इसको यहाँ पर मैं क्लियर करके लिख दे रही हूँ, यू इज इक्वल टू वन अपॉन एच आई प्लस एच डब्ल्यू अपॉन के प्लस वन अपॉन एच नॉट। तो ये वैल्यू हमारी क्या थी, इस तरह से थी। यहाँ पर आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया इसे। तो कटिंग की वजह से थोड़ा सा ये रफ हो गया है, तो इसे नोट्स में अच्छे से उतारिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर यू इज इक्वल टू वन अपॉन एच आई प्लस एच डब्ल्यू अपॉन के प्लस वन अपॉन एच नॉट। तो जो इनर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमारा सिलेंडर के इनर सरफेस पे था, तो वो सिलेंडर जो हमारा था उसके अंदर हमारा क्या था, जो ट्यूब थी हमारी सिलेंड्रिकल ट्यूब, उसके अंदर हमारा हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा था, तो ये हमारा हॉट फ्लूइड के लिए हो गया। और आउटर पे हमारा क्या था, कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा था, तो ये हमारा क्या हो गया, कोल्ड फ्लूइड के लिए। एक्स हमारी क्या थी, लेंथ, और ये क्या थी हमारी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो सेम इसी की तरह हमारी ये इक्वेशन भी क्या आई है, इसी तरह से आई है। देखिए यू इज इक्वल टू वन अपॉन एच एफ हॉट फ्लूइड प्लस एच डब्ल्यू अपॉन के की जगह क्या है हमारा, एल अपॉन के। यहाँ पर हमने लेंथ एल मानी थी, तो इसलिए हम यहाँ पर एक्स की जगह एल लेंगे। और वन अपॉन एच सी एफ यानी कि क्या है, कोल्ड फ्लूइड के। तो इस तरह से भी हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को फाइंड आउट कर सकते हैं।